4G सिम को 5G कैसे बनाएं। दोस्तों यदि आपके पास जियो 4G का सिम है तो कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द 5G, एंड जो आप स्पीड ऐप से भी चेकआउट कर सकते हैं 5G इनेबल है, हमें यहाँ पे 5G की स्पीड मिल रही है। तो कैसे मैंने इस 4G सिम को कन्वर्ट किया है अपने 5G में, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके पास जियो का सिम है तो इसके अंदर जो है आप 5G कन्वर्ट कर लें, काफ़ी फास्ट हो जाएगी स्पीड। एंड इंटरनेट के मामले में आपका जो मोबाइल है, जहाँ आपको 10 मिनट लगता था एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में या फिर 5 मिनट, उससे आधे सा भी आधे समय लगेगा आपको इंस्टॉल करने में, बहुत ही फास्ट हो जाती है सिम। चलो मैं आपको बताता हूँ सिम के अंदर जो नेटवर्क होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक डिवाइस है एंड्रॉयड फ़ोन, एंड इसके अंदर मुझे जो है सिम को 5G करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से चेकआउट करो, एंड यहाँ पे मैं पहले एयरप्लेन मोड को इनेबल कर देता हूँ ताकि आप देख लो। यहाँ पे इस तरीके से चेकआउट करो, ये जो है आप सभी देखो यहाँ पे जियो ट्रू 5G है, साथ के साथ दोस्तों नेटवर्क देखें, यहाँ पे जो है 5G लिखा हुआ आ जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले मैं जो है अपना वाईफाई को बंद करता हूँ, यहाँ पे मोबाइल डेटा इनेबल करता हूँ, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, कैसे इसको जो है इनेबल करेंगे मैं आप। तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे 5G++ के जो साइन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे मैंने इसको इनेबल किया है एंड कैसे मैंने 4G सिम को अपना 5G बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर आप कर लो ये, आपके पास जियो का सिम है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जियो का सिम लिया हुआ है या फिर ऑलरेडी आपके पास एक सिम है, इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम आपके मोबाइल फ़ोन में यार रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, बट आप प्रोसेस देख लो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है प्ले स्टोर एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको लिखना है जियो, एंड यहाँ पे जो जियो माई जियो एप्लीकेशन आती है इसको सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लें, अभी ओपन ना करें, इसको बैक कर दो। बैक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के ऊपर जाना है। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इतना सारा जो है मोबाइल एंड इंटरनेट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नेटवर्क देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिम प्रीफ्रेंस, डाटा रोमिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जो यहाँ पे एक प्रीफेर नेटवर्क टाइप देखने को मिलेगा। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पे 5G रिकमेंडेड दिखा रहा है, बट हो सकता है कि आपके फ़ोन में LTE या फिर 3G देखने को मिल रहा होगा। तो मान के चलो आपके फ़ोन में LTE पे सेट है, तो अभी ये जो है 4G हो चुका है। जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको, अब यहाँ पे आप ध्यान से प्रोसेस को फॉलो करो, ये मैंने ज़्यादा प्रोसेस बता दिया आपको, पहले यहाँ से फॉलो करना है, ठीक है। माई जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो आप, ठीक है, एंड आपके मोबाइल फ़ोन में यार कम से कम 239 वाला जो एक रिचार्ज होता है ना वो एक बार किया होना चाहिए सिम के ऊपर। अब आप यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है भाई लोग, एंड ये 4G सिम को हम 5G बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक देखने को मिल जाती है, इसको कट कर दो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी मोबाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते करते आपको एक छोटी सी सेटिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि है इस तरीके से एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, चलो मैं इस वाले फ़ोन के अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन गेट स्टार्टेड, आपको इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से नंबर ही शो करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ही कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पे जितने टिक मार्क देख रहे हो ना ग्रीन वाली, ये सारे टिक हो जाएंगे, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन में आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पे सारे ही कंफर्म हो जाएंगे, यानी कि ग्रीन टिक हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हो जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट वगैरह कर लेना, अगर आपने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया है तो अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट भी कर लेना, ठीक है। जब तुम अपडेट कर दोगे तो सारा कुछ यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा, ध्यान रखना कि जितने भी टिक हैं ये सारे ग्रीन हो जाने चाहिए एक एक करके, ठीक है। तो जैसे इतना कर लेते हो, करने के बाद अब आपको चले जाना अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के ऊपर। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद अब आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है, मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जाकर आपको अब जो है एक सेटिंग करनी है प्रीफर नेटवर्क टाइप, यहाँ पे जाके इसको 5G कर देना है। जी हाँ दोस्तों, प्रीफर नेटवर्क पे जाके 5G कर दो। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे 5G का देखने को मिल जाएगा, एंड देख सकते हैं यहाँ पे जो है 5G प्लस लिखा हुआ है, एंड अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, एंड इस तरीके से आपका जो जियो का सिम है वो 5G देना शुरू कर दे, एंड इसमें जो आपको डेटा है वो भी अनलिमिटेड मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं करना है। दोस्तों इस तरीके से आप जो किसी भी जियो सिम को जो है कन्वर्ट करेंगे 5G में। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी। ध्यान रखना कि अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर लेना, अगर नहीं पता है कैसे किया जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट तो आप जाओ अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आ रहा है सिस्टम अपडेट्स, तो यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लो आपका अपडेट या फिर नहीं, देख सकते मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अप टू डेट है मोबाइल। तो इस तरीके से अपडेट भी कर लेना, बस इस तरीके से आपको जो अपना 4G सिम को 5G बनाना है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।